पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक सांसद और पांच विधायकों वाली सपा चौथे पायदान पर खिसक गई। सपा प्रत्याशी हाजी रईसुद्दीन 16वें राउंड की गिनती पूरी होने तक महज 10,294 वोट ही हासिल कर पाए। अपनी हार पक्की देख दोपहर 2 बजे वो मतगणना स्थल से लौट गए। सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सपा के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिए, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। इससे पहले सुबह रिजर्व गेट से जाने पर भाजपा प्रत्याशी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। मेयर सीट के लिए कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। जनता का निर्णय स्वीकार है, अभी तक लगातार आप बहुत पीछे हैं, बसपा कैंडिडेट से भी आप पीछे रहे हैं अभी तक। तो जनता का निर्णय अभी काउंटिंग कर लेंगे, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद दोबारा भी देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अब तक 16 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है और जो जनता का जो समर्थन था वो आपके साथ नहीं आया, क्या सपा का वजूद खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे घर से वहाँ पे हमें पोलिंग नहीं होने दिया, हमारी लिस्टें गायब थी, पूरी लिस्टें गायब करी हैं, 500-1,000 वोट एक एक बूथ पर से गायब हैं, और पुलिस ने किसी तरह भी हमारे यहाँ पोलिंग नहीं होने दी। जहाँ हमारे जिसके ऊपर गवर्नमेंट कार्य पर आपने देखा, दोपहर 12 बजे से पुलिस ने घेरा डाल दिया था, सबसे चर्चा के सबके कहने में वोटरों को भगा दिया। हमारे सारे क्षेत्रों में हमारे जो है बिल्कुल काम नहीं, यही कम का अंतर रहा है, यही इसीलिए परसेंटेज आप देखें, पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन हुई। मुरादाबाद में लगातार समाजवादी की सीटें अच्छी खासी निकलती थी और वोट भी लेते, इस बार बहुत कम लोगों का रुझान आया, क्या रीजन है? नहीं देखिए, जब कम वोटिंग होती है तो उसके बाद अंतर 24 वोटों से जीत रहे हैं, 20 वोटों से हार रहे हैं, आप देखिए कितना कम अंतर रह गया। आपका कहना मतलब है कि वोटिंग होने नहीं दी? एक सवाल मेरा एक ये है कि समाजवादी से ज़्यादा इस बार कांग्रेस ने अपने पार्षद जिता लिए और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस जितना पिछली बार प्रदर्शन कर चुकी थी 70,000 पे उसी पर अटकी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ी है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मतलब जो आपके पार्टी के विधायक हैं उन्होंने सपोर्ट न कर पाए क्या? नहीं, हमें सभी समर्थन तो फूट पड़ी हुई है ना समाजवादी? नहीं, नहीं, कोई फूट नहीं है, सारी समाजवादी पार्टी एक है, समाजवादी पार्टी के वोटों को पटाकर डाला गया है, समाजवादी पार्टी के वोटों को पटाकर डाला गया है, पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया किसी भी तरीके का, और चुनाव आयोग की तरफ से आप देखें डिस्ट्रिक्टों को बहुत बड़ी हेराफेरी की। आपकी हार की वजह यही है? हमारे हार की वजह यही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।